हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। साथियों, मैं प्रवीण, आज हम UPSSSC पैट एग्जाम 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 16 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। साथियों, वो क्लासें आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लीजिए, क्योंकि उसकी जो प्ले लिस्ट है हमारे चैनल पर बनी हुई है। अगर साथियों इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल हाई मोटिवेटेड, उससे जुड़ जाइए और इसकी जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों आपको बता दूँ, कल 7 बजे से जो हमारे हिस्ट्री की जो मैराथन की क्लास आ रही है उसमें लगभग 100 प्रश्न हैं। अगर साथियों वो आपने 100 प्रश्न देख लिए तो आपके हिस्ट्री के लगभग 6-7 जो मार्क्स जो पक्के हो जाएंगे, क्योंकि लगभग 10 नंबर की तो हिस्ट्री आएगी, उसमें लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं, जो बेहतरीन 100 क्वेश्चन हैं, तो उसे आप जरूर देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज ही क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो ये बेलग्राम का युद्ध था, बेलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ था, यानी कि जो 1540 में हुआ था, 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो ये औरंगजेब ने लगाया था, यानी कि तो ये औरंगजेब ने लगाया था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधारक आंदोलन था वह कौन था? मतलब तो ये ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना आपको बता दूं, ये 1828 में राजा राममोहन राय ने की थी, 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना वंदे मातरम? यानी कि जो कौन सा आंदोलन था जिसका जो शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था? असहयोग आंदोलन, चंपारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो ये स्वदेशी आंदोलन था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इसका शीर्षक गीत बना था वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? यानी कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये किससे संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व इतिहास की झलक की रचयिताएं, यानी कि विश्व इतिहास की झलक के रचयिता, ये पुस्तक के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लियो टॉलस्टॉय, सलमान रुश्दी। तो ये जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? कमला रानी सिंह ने, राबड़ी देवी, तारकेश्वरी सिन्हा या अरोड़ा आसिफ अली? तो ये अरोड़ा आसिफ अली हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? रत्न, कैवल्य, जिन या निर्वाण? तो ये कैवल्य शब्द है, यानी कि पूर्ण ज्ञान के लिए, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। साथियों जैसे आप जो क्लास को देखते हैं तो इस क्लास को पॉज करके देखा कीजिए, पहले आप खुद मन में सोचा कीजिए इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद इसका आंसर दिया करिए। इससे पता चल सकता है, जैसे कि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपने 50 में से कितने सही किए, तो ये जरूर बताया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? समस्तीपुर, राजगृह, मगध या पाटलिपुत्र? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? किसने मदद की थी? शूद्रक ने, चाणक्य, शुद्धोधन या उमागुप्त? तो ये चाणक्य ने की थी, चाणक्य ने, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? संविधान सभा के लिए जो चुनाव थे वो कब संपन्न हुए थे? 1945, 1946, 1947 या 1948? तो ये 1946 में संपन्न हुए थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, B.R. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? पंजाब से, पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंट से या तत्कालीन मध्य भारत से? तो इनका पश्चिम बंगाल से, यानी कि पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, प्रस्तावना पर, नीति निर्देशक तत्व पर? तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो प्रस्तावना पर मतलब विशेष ध्यान दिया था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BN राव, BR अंबेडकर? तो इसे BR अंबेडकर को माना जाता है, BR अंबेडकर, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। साथियों अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जो भारतीय संविधान सभा में जो महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? 12, 13, 15 या 10? तो इनकी संख्या थी 15, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? वो किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? कनाडा, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, भारत? तो ये भारत का है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, कोयला, यानी कि कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, कोयला, पेट्रोलियम, लिग्नाइट या कार्बनिक फर्टिलाइजर? तो ये पेट्रोलियम से संबंध रखती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है, मुंबई, जयपुर, सूरत या नई दिल्ली? तो ये सूरत में स्थित है, उस सूरत में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था, तीसरी योजना, सातवीं योजना यानी कि छठी योजना या चौथी योजना? तो ये सातवीं जो पंचवर्षीय योजना थी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, वो किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका? तो ये सबसे जो कम है वो ऑस्ट्रेलिया का है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का जो रण है, कच्छ का जो रण भारत के किस राज्य में स्थित है, असम, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश? तो ये गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जलडमरू मध्य और तस्मानिया को पृथक करता है, वो पाक जलडमरू मध्य, डोवर जलडमरू मध्य या बॉस जलडमरू मध्य या बेरिंग जलडमरू मध्य? तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बॉस जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सागरी लवणता का स्रोत है, भूमि, नदियां, पवन या ज्वालामुखी से निरसृप्त राख? तो ये नदियां होंगी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है, जो किताब उल हिंद के लेखक कौन है, अल मसूदी, अल इदरीसी, अल याकूबी या अल बरूनी? तो अल बरूनी है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और लास्ट में वीडियो में कमेंट करके बताना आपने 50 में से कितने सही किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, सोन नदी, कावेरी, तापी, नर्मदा? तो सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो तापी के तट पर है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाउल गायन कहाँ का लोक रूप है, बंगाल, कर्नाटक या पंजाब या गुजरात? तो ये बंगाल का है, बंगाल का, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है, राउप, सुईसिनी, झोरा या तमाशा? तो जो सुईसिनी है ये जो राजस्थान से संबंध रखता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरल के राजा रवि वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध थे, यानी कि कवि थे, गायक थे, नर्तक या चित्रकार? तो रवि वर्मा एक चित्रकार थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था, हजमनामा, रजमनामा, जय संहिता या पांडव विजय? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साथियों आपको बता दूं, आपके जो पेपर में नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं पूछा जाएगा जीएस का, तो आप अगर ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, लगभग आपके यानी कि 40+ आने की संभावना रहेगी, जीएस की बता रहा हूँ। आप पूरी तरीके से हमें फॉलो करते रहिए, जो हम मैराथन देंगे और जो प्रैक्टिस चल रहा है इसे लगातार देखते रहिए। चांदी की उसमें चालकता तांबे के यानी कि उसमें चालकता की अपेक्षा क्या होती है, बराबर होती है, कम होती है या अधिक होती है, यानी कि या अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें अधिक होती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, किसके कारण होता है, चालन के कारण, विकिरण के कारण, संवहन के कारण? तो ये संवहन के कारण होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है, गुणता के कारण, तारुत्य, तीव्रता, इनमें से कोई नहीं? तो ये तारुत्य के कारण होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है, 2 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट या 4 मिनट? तो ये 8 मिनट में पहुंचता है, 8 मिनट में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है, तो बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 4 होगी या अनंत होगी? तो ये अनंत होगी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा या नाभिकीय विखंडन द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा? तो ये नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है, बेसिक, कोबोल, पास्कल या फोर्टॉन? तो ये जो कोबोल में संभव होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कोबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर, 2 दिसंबर, 22 दिसंबर, 1 दिसंबर? तो ये कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाकू से काटा जा सकने वाला ये धातु है, कौन सी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है, लोहा, सीसा, तांबा, सोडियम? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है, स्तंभ परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी या पूर्ण स्तंभ परजीवी
या आंशिक मूल परजीवी, तो इसे आंशिक मूल परजीवी माना जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। साथियों आपको क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, तीरंदाजी, बैडमिंटन। तो भूटान का जो राष्ट्रीय जो खेल है वो तीरंदाजी है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी होती है, 8, 7, 6 या 5। तो वाटर पोलो में 7 होती है, यानी कि एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, सुनील गावस्कर, यानी कि लाला अमरनाथ। तो किसे जाना जाता है, तो सुनील गावस्कर को जाना जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया खेल पहली बार कहाँ आयोजित होते हैं, मनीला, नई दिल्ली, टोक्यो, जकार्ता। तो एशियाई खेल जो पहली हुए थे वो नई दिल्ली में स्टार्ट हुए थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, ऑटोमेटेड ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 14 मार्च, 28 फरवरी, 2 जून या 5 फरवरी। तो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, नागार्जुन, फिरदौसी। तो इसके जो लेखक है वो नारायण पंडित हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नारायण पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, इतिहास, नाटक, साहित्य, नृत्य। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का साथियों 49 नंबर प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, यानी कि लाहौर, अजमेर, सासाराम या दिल्ली। तो ये सासाराम में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो स्थित मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, राष्ट्रकूटों को, चंदेलों को, पालों को या पल्लवों को। जो खजुराहो के स्थित जो मंदिर है उनको किसके जाता है श्रेय, तो ये चंदेलों को जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो साथियों आज के जो हमारे 50% जो कंप्लीट हुए, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने 50 में से कितने सही किए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और साथियों आपको बता दूं, कल हमारी जो हिस्ट्री की मैराथन आने वाली है उसमें लगभग 100 क्वेश्चन होंगे, उसे जरूर देखना। और साथियों मॉर्निंग में हमारी 6 बजे से करंट अफेयर्स की आती है, उसे जरूर देखा कीजिए, क्योंकि आपकी जो पैट परीक्षा में लगभग 10% आएंगे करंट अफेयर से, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो साथियों आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, तो धन्यवाद।